अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 10 के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि आप लाइन, कंस्ट्रक्शन लाइन और पोल लाइन में क्या फ़र्क है। इन तीनों में हम कंपेयर करके देखेंगे इन दोनों तीनों में कि इन तीनों लाइन में क्या क्या फ़र्क है और हम कहाँ कहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये तीनों टाइप्स हैं लाइन की, इन पे फर्क क्या क्या है इसके ऊपर आज हम डिस्कस करते हैं। ऑटोकैड को ओपन करता हूं उसके लिए मैं। तो सबसे पहले लाइन, तो देखिए लाइन और पॉली लाइन के ऊपर पहले डिस्कस करते हैं। लाइन और पॉली लाइन क्या होता है, इसमें क्या क्या फर्क है। तो जब मैं लाइन पे क्लिक करता हूँ, एंटर करता हूँ, मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ काफी सारी। अब मैं पॉली लाइन लेता हूँ, अब अगर आप देखें यहां पे, तो मैं जब लाइन को सिलेक्ट करता हूं तो मेरे पास कुछ एरिया सिलेक्ट हो रहा है, देखें सिर्फ ये। पोल लाइन को भी सिलेक्ट करता हूं, सारी की सारी लाइन मेरे पास सिलेक्ट हो रही है, पोल लाइन देख सकते हैं। तो लाइन जो होती है वो आपके यहां से फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक लाइन बन जाती है, फिर यहां से सेकंड पॉइंट पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास ये दूसरी लाइन बन जाती है, तीसरी लाइन बन गई, चौथी लाइन बन गई, पांचवी लाइन बन गई, छठी लाइन बन गई, ये देखें। तो ये हमारे पास क्या जी, लाइन है। तो लाइन का हर एक हिस्सा जो होता है वो आपस में अलग होता है, एक अलग लाइन बन जाती है। जबकि आपकी जो पॉली लाइन होती है, पॉली लाइन पे मैं क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ, तो देखें पॉली लाइन सिर्फ और सिर्फ एक की लाइन होती है। पॉली लाइन और लाइन में ये फ़र्क है। अगर आपकी लाइन क्लोज है, फॉर एग्जाम्पल एल एंटर करता हूँ मैं, लाइन देखें अगर मेरे पास क्लोज है, मैं सी एंटर करके इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज हो गया। इस तरह मैं पॉली लाइन को मैं क्लोज करता हूँ, हमने फर्क देखें। इसमें भी जब मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास देखें हर एक लाइन अलग अलग से, जबकि यहाँ पे ये सारा का सारा एक क्लोज एरिया, क्लोज पाथ, क्लोज लूप बन गया। तो ये लाइन में फ़र्क होता है, लाइन और पॉली लाइन में। और अगर इनमें देखा जाए तो इसमें आप इसकी लाइन की विड्थ भी बढ़ा सकते हैं, लाइन का साइज भी बढ़ा सकते हैं। और लाइन को आप देखें, अब अगर आप पॉली लाइन को ख़त्म, पॉली लाइन को लाइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक कमांड होती है, एक्सप्लोड उसको कहते हैं, उसके लिए आप एक्स एंटर करें, एक्सप्लोड कमांड एक्स एंटर करें। तो ये देखें, ये भी हमारे पास क्या हो गया, लाइन में कन्वर्ट हो गया, देख सकते हैं। इस लाइन को आप जोड़ना चाह रहे हैं तो उसके लिए आप बी एंटर करें, एक पॉइंट क्लिक करें, इसके अंदर स्पेस प्रेस करें, तो देखिए क्या ये लाइन जुड़ गया। लेकिन ये लाइन जुड़ी नहीं है, ये क्या हो गया, दोनों लाइनें सेपरेट हो रही हैं। मैं इसको क्लिक करता हूँ, मूव करता हूँ, एम एंटर करता हूँ मूव के लिए, देखिए इसके नीचे एक लाइन आ गया और इसके ऊपर एक पूरी की पूरी बाउंड्री बन गया, और वो जो बाउंड्री होती है उसे पॉली लाइन कहा जाता है, वो पॉली लाइन से मिलके बनी है, देख सकते हैं आप। जे एंटर करता हूँ, जे से ज्वाइंट नहीं होगी लाइन। तो ये फर्क होता है जी लाइन और पॉली लाइन का। और इसके अलावा जो अभी और मैंने कमांड्स आपको दो तीन बताई, इन पे भी आप देख लें, प्रैक्टिस कर लें, या आगे भी हम सही डिटेल से इन कमांड्स को हम देखेंगे। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन लाइन होती है, कंस्ट्रक्शन लाइन एक ऐसी लाइन होती है कि जिसका एंड पॉइंट कोई भी नहीं होता, तो वो होती है कंस्ट्रक्शन लाइन। एक्सेल एंटर करता हूँ, तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन जिसका एंड पॉइंट कोई भी नहीं है, देख सकते हैं। और इसके अलावा पॉली लाइन, और पॉली लाइन हो गया है, कंस्ट्रक्शन लाइन हो गया है, और सिंपल लाइन जो हो गया, इन तीनों में फ़र्क मैंने आपको सही डिटेल से मैंने समझाया भी है कि पॉली लाइन के अंदर और कौन कौन सी कमांड यूज़ हो सकती हैं, उसके ऊपर कंप्लीट डिस्कस किया था मैंने। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन लाइन के ऊपर कौन कौन सी कमांड यूज़ हो सकती है, उसके ऊपर भी डिस्कस किया था कंप्लीट मैंने। और लाइन के ऊपर कौन कौन सी कमांड यूज़ हो सकती है, इसके ऊपर भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये था आपका जी, इन तीनों में कंपेयर आप कैसे कर सकते हैं, इन तीनों में कंपेरिजन था कि इन तीनों में क्या क्या फ़र्क है।
अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा, और इन लेसन को बार बार देखें ताकि आप इस पर अच्छी तरह से काम कर सकें। इसके बाद हम जो है तो प्रोजेक्ट में जाएंगे, प्रोजेक्ट जो है तो इलेक्ट्रिकल के, इनका क्या फंक्शन है और स्कीमेटिक का क्या फंक्शन है, पैनल कैसे बनते हैं, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।